Hey guys, welcome to Hollywood. Welcome to the Dahindu Vocab Show. Today is day 77 and जिन्होंने पुराने videos miss किए, please playlist में जाके सारे videos को देख ले। थोड़ा सा setup अलग है, आज मैं नीचे आया हूँ, ठीक है? तो चलिए start करते हैं, थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ, फटाफट आप लोग शेयर करिए, ठीक है? अच्छा कैप्टन अभी तो चलो, तेजस्वी इज देयर, सिद्धार्थ इज देयर, मिस्टर वेली इज देयर, आशीष कुमार, सुतांशु, अभिषेक झा, नीलू गुप्ता, प्रतीक्षा इज देयर एंड अनुराग कुमार। अनुराग कुमार बड़ा फ्रेंच फ्रेंच लिख रहे हो तुम, मैं चलो स्वागत है इज देयर एंड बाकी लोग कहाँ पे यार, फटाफट आप लोग शेयर करिए एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हो, थोड़ा बहुत आप लोगों को विश कर देता हूँ मैं ना, रक्षाबंधन इज द राइट टुडे, सो लेट स्टार्ट देन। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या एवरीथिंग इज वेल, सो हैप्पी रक्षाबंधन गाइज, सबको विश, ठीक है? द बॉन्ड ऑफ लव एंड ट्रस्ट, तो जिनके भी भाई है और जो जिनको भाई बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये त्यौहार है एंड बाकी लोग जो बॉयज है थोड़ा सा, यस यस, थैंक यू नीलू, या बैकग्राउंड विल बी चेंज अगेन, सो डोंट वरी। क्या कहते हैं वो, थोड़ा बच के रहना आज गाइस, ठीक है? वो लड़की मतलब आजकल थोड़ा सा पोटेंशियल जो है बॉयफ्रेंड, उनको आज एलिमिनेट कर सकते हैं आज, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान रखिए एंड थैंक यू अंजलि मानवीय, थैंक यू सो मच, योगेश इज देयर, या थैंक यू अभिषेक। चलो फिर स्टार्ट करते फिर, है ना? एंड गुड मॉर्निंग संदीप, यू डोंट हैव सिस्टर, चलो फिर तो हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं गाइस एंड उससे पहले थोड़ा सा शेयर कर दो गाइस, शेयरिंग इज केयरिंग, ओके? सो डू शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड योर वट एवर, फेसबुक, जहाँ पे मन करता है आपको वहाँ पे शेयर कर दो, फटाफट फटाफट बच्चों को लेके आओ, है ना? ओनली 35 पीपल, या रिमेंबरिंग इंडियन प्लेज, कुमार मोलेश गुड मॉर्निंग। चलो फिर अमेजोन में ये आपकी इंग्लिश सिंप्लीफाइड बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जिन्होंने भी परचेज नहीं किया अभी यू कैन गो फॉर इट, ओके? ₹395 ओनली एंड बहुत ही बहुत स्टूडेंट्स ने पर्सनली परचेज करके मेरे को भी कमेंट वगैरह मतलब फीडबैक वगैरह दिया है, सो द कंटेंट इज रियली ऑसम एंड या सो वी कैन स्टार्ट एंड दिस इज SBI प्योर 2020 कोर्स गाइस, यू हैव टू जस्ट यूज द कूपन को JP60 टू अवेल 60% डिस्काउंट, तो अगर आप कूपन कोड को यूज करोगे तो फाइनल प्राइस विल बी व्हाट 1599, ठीक है? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। चलो चलो अनुराग, थैंक यू। चलो तो थोड़ा वाला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो पिछले एपिसोड में आपने ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े थे तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इम्पिश वॉज द फर्स्ट वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, मिशिवियस, ओके? मिशिवियस इसका मीनिंग होता है, तो फर्स्ट का इज द राइट आंसर, ठीक है? टॉडरी का क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी शोई, वेरी अट्रैक्टिव बट इट इज चीप, ठीक है? वो चीप होता है लेकिन देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, काफी वो लगता है, ठीक है? एक्सपेंसिव लगता है लेकिन एक्चुअल में बहुत चीप होता है, दैट यू कैन से दैट दोस शूज, शूज अगर आपको याद है तो मेरिट्रिशियस इज द वर्ड, ठीक है? तो सेकेंड का सी इज द राइट आंसर एंड पेस्टिलियन का मैंने आपको फोटो दिखाया था आपको, किंग कोबरा का एंड उसमें वेनम वगैरह रिलीज हुआ था, तो यू कैन से डेडली, फैटल एंड लीथल वगैरह इस कैंसर होता है पेस्टिलियन। बाकी मैंने आपको बोला था पर्निशियस, डेट्रीमेंटल, डेलिटेरियस, तो ये सारे वर्ड भी आपके हो जाएंगे। सो थर्ड का ए इज द करेक्ट आंसर, ओके? नॉन पेरिल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन पेरिल, मैंने आपको दिखाया था उसेन बोल्ट, राइट? जो उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है स्प्रिंटिंग में, ठीक है, स्प्रिंट में, ठीक है, तो दैट इज वॉट, अनराइवल्ड, कोई है नहीं उनके उनके बराबर का, तो दैट इज द आंसर। तो फोर्थ का बी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ का बी अनराइवल्ड इज द करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कैप्टन अमेरिका को, ठीक है, कैसे उसने वो तोड़ दिया था ऐसे, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, यू कैन से पावर, इन्फ्लुएंस, क्लाउड, सारे वर्ड आपके आ जाएंगे। तो फिफ्थ का आंसर इज डी करेक्ट आंसर, ठीक है? सो फिफ्थ का आंसर इज डी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो फिर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वर्ड टुडे इज कॉन्वल्स, सो कॉन्वल्स इज द फर्स्ट वर्ड जो कि वर्ब है यहाँ पे एंड जो आपको एनिमेशन में दिखाया जा रहा है दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्वल्स। आप देख रहे हो रायन गॉसलिंग है और उसके हाथ ऐसे शेक हो रहे हैं, ठीक है, हाथ कांप रहे, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्वल्स, ठीक है? टू शेक और यू कैन से ट्रेम्बल वायलेंटली, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कन्वल्स, ठीक है? सो द फर्स्ट, सो द मीनिंग इज वर्ड टू शेक वायलेंटली, अगर आप हाथ को नोटिस करोगे सो दैट इज कॉल्ड कन्वल्स और ये थोड़ा सा इनवॉलेंट्री आपका रिस्पॉन्स होता है, मतलब आपके कभी बार आप देखना कभी बार आपके मतलब मोशंस में कंट्रोल नहीं होता है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कन्वल्स, टू शेक वायलेंटली, यू कैन से ट्रेम्बल, शिवर, येस, एजिटेट इन अ वे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है? हाँ, जर्क करना भी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, रायन येस गॉसलिंग, ठीक है? एंड शिवर इज द फर्स्ट वर्ड, कॉन्वल्स इज इक्वल टू, डू नॉट कंफ्यूज कॉन्वल्स विद द वर्ड कॉन्वलेस, ठीक है? एक वर्ड है कॉन्वलेस, CONVALESCE, ठीक है? इसका मीनिंग होता है आपका रिकवर करना या फिर रिक्यूपरेट करना, सो दैट इज डिफरेंट,
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, कॉन्वल्स एंड कॉन्वलिस बोथ आर डिफरेंट। ओके, ये होता है आपका रिकवर करना या फिर ठीक होना, रिक्यूपरेट करना, बीमार होने के बाद जब आप रिकवर करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्वल्स। ओके, कॉन्वलिस एंड शडर इज द नेक्स्ट मीनिंग, शिवर शडर आप कह सकते हो। नाउ देयर आर टू वर्ड्स हियर, अभी मैं डिस्कस करूंगा, क्विवर एंड क्वेवर। ठीक है, सो क्विवर का मीनिंग होता है शिवर करना या फिर ट्रेम्बल करना या फिर शडर करना, सो दिस इज क्विवर। एंड व्हाट इज क्वेवर गाइस, क्वेवर भी होता है आपका ट्रेम्बल करना, शिवर करना, बट यहाँ पे आपका वॉइस शिवर करता है बेसिकली, वॉइस। ठीक है, जब आप नर्वस होते हो स्पीच भी देने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड क्वेवर। ठीक है, सो इसको आप ध्यान में रखना, शिवर शडर क्विवर क्वेवर, बाकी तो आपके बहुत सारे वर्ड आप शेक वायलेंटली, ठीक है, ट्रेम्बल, ये सब भी आप नोट कर सकते हो। नाउ अभी एंटोनिम्स क्या होंगे, ये तो आपके ऐसे रेस्पॉन्स हो गए जहां पे आप काफी शेक करते हो, ठीक है, और तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टेडी होना, स्टेडी वी आर नॉट यूजिंग एज एडजेक्टिव हियर, स्टेडी हम लोग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, सो दैट इज हियर वी आर यूजिंग एट स्टेडी होना। ठीक है, स्टेडी, और यू कैन से स्टेबिलाइज होना। ठीक है, अगर हाथ अगर सीधा ही पिक करता हो ग्लास के ग्लास को, सो दैट विल बी लाइक स्टेबिलाइज होना, राइट। एंड लास्ट इज व्हाट, काम। ठीक है, सो ये सारे आपके हो जाएंगे आपके इसके एंटोनिम्स, स्टेडी, स्टेबिलाइज, काम। ठीक है, एंटोनिम्स, एंड द सेंटेंस इज वेरी सिंपल। ठीक है, रायन गॉसलिंग कॉन्वल्स ओके व्हाइल पिकिंग अप द ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, सो रायन गॉसलिंग कॉन्वल्स व्हाइल पिकिंग अप द ग्लास ऑफ वाटर। चलो, हाँ, क्विवर दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इलन या मिस्टर वेल, उसका दैट इज द नाउन फॉर्म, हियर वी आर यूजिंग इट एज वर्ब। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ परवे, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है परवे वर्ड है। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट परवे गाइस, थोड़ा सा इसको देखो, ये एक्चुअल में करके आ रहा है, ये दिस गाय, ये डिलीवरी बॉय है। ठीक है, वो कुछ पिक करके आपके सामने रख के जा रहा है कुछ चीजें। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, फूड, थिंग्स, ड्रिंक, व्हाटएवर। ओके ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट परवे। परवे का मीनिंग होता है एक्चुअली सप्लाई करना। ठीक है, टू सप्लाई समथिंग, ओके, टू सप्लाई समथिंग एज वन्स बिजनेस, टू सप्लाई, इट कैन बी फूड, इट कैन बी ड्रिंक, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, लाइक एज वन्स बिजनेस, मतलब सर्विस डिलीवर करना, वो भी हो सकता है। ठीक है, एंड द सेकंड मीनिंग ऑफ परवे इज व्हाट, टू स्प्रेड और प्रमोट एन आइडिया। सो द सेकंड मीनिंग इज स्प्रेड और प्रमोट एन आइडिया। ठीक है, हाँ, सेल करना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच यू शुड यूज, ओके, इंस्टेड ऑफ परवे। द फर्स्ट वर्ड इज फर्निश करना। ठीक है, फर्निश करते हो आप कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीजें। ठीक है, आप जब घर पे जब फर्निश करते हो तो आप क्या करते हो, यू सप्लाई दैट हाउस विद एनी, यू कैन से फर्नीचर। ठीक है, और या फिर कोई एसी, कोई फ्रिज, व्हाटएवर, तो उसको कहते हैं फर्निश करना, बेसिकली सप्लाई करना, वहां पे अटैच करना। ठीक है, द सेकंड वर्ड इज कैटर ऑल्सो। अगर आप सप्लाई करो अपने, यू आर सप्लाइंग समथिंग, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो, हम लोग कैटरिंग बोलते हैं ना, हम लोग कैटरिंग वर्ड। ठीक है, कैटर टू, दैट मीन्स सप्लाई समथिंग, फर्निश समथिंग, और यू कैन से रेंडर ऑल्सो, बिकॉज वी यूज द वर्ड रेंडर, हम लोग बोलते हैं ना रेंडर सर्विसेस। ओके, टू रेंडर सर्विसेस, वो भी होता है आपका परवे का मीनिंग। क्लियर है, तिलक आहूजा, गुड मॉर्निंग। तो फर्निश, कैटर, रेंडर, ओके, सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड परवे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे गाइस, व्हाट आर द एंटोनिम्स देन, एंटोनिम्स में क्या होंगे आपके, मतलब अभी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप उस चीज को अगर मतलब खुद ही ले लेते हो, दैट इज लाइक टेक। ओके, यहाँ पे आपको सप्लाई कर रहा है कोई, आपको फर्निश कर रहा है कोई, कैटर कर रहा है कोई, रेंडर कर रहा है, सो एंटोनिम्स विल बी वेरी सिंपल, टेक यू कैन से क्लैस्प करना, एक तरह से ग्रैप करना, और यू कैन से ग्रैस्प करना, सो दीज आर द एंटोनिम्स। ओके, सो टेक, क्लैस्प, ओके, ग्रैप, ग्रैस्प, तो ये सारे हो जाएंगे आपके इसके एंटोनिम्स। ठीक है, परवे के द सेंटेंस इज वेरी सिंपल। ठीक है, सो ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक द डिलीवरी बॉयज परवे, दैट मीन्स सप्लाइड और सेल भी आप कह सकते हो आप, द डिलीवरी बॉयज परवे कुक्ड फूड इन आवर लोकैलिटी, दैट मीन्स दे सप्लाइड कुक्ड फूड इन आवर लोकैलिटी, एज सिंपल एज दैट। बट इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिए, यू कैन फाइंड इट इन न्यूज पेपर्स, मिस्टर, ओके, आई एम सैंक यू, गुड मॉर्निंग। स्नैच भी हो सकता है, स्नैक, ओके, स्नैच इज ऑल्सो करेक्ट, स्वागत। कंज्यूम करना भी इन अ वे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एज एंटीनिम अनुराग, वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वो। परवे इज वर्ड टू सप्लाई समथिंग एज वन्स बिजनेस, स्प्रेड और प्रमोट एन आइडिया, इसका सेकंड मीनिंग होता है। फर्निश करना, कैटर करना, रेंडर करना, सो दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, टेक, क्लैस्प, ग्रैब, एंड द सेंटेंस इज वेरी सिंपल, ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक द डिलीवरी बॉयज परवेट कुक फूड इन आवर लोकैलिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पॉइग्नेंट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट के एक्चुअली दो मीनिंग है, बट द अदर मीनिंग कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ द फर्स्ट मीनिंग। ओके, स्विगी बॉय, ठीक है, जोमेटो, हाँ, तो उन लोग आपको क्या करते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं ना, लास्ट वर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ आशीष, ठीक है, या आशीष तुम ही हो बेसिकली, और कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने व्यथा सुना रहे हो इस एनिमेशन के थ्रू।
हाँ ट्रेजिक इज करेक्ट रॉबर्ट पैटिनसन, गुड मॉर्निंग. ट्रेजिक इज हाँ पियर्सिंग यू कैन से. द परफेक्ट वर्ड इज वट आई विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन रिगार्ड टू दिस वर्ड. ठीक है पॉइग्नेंट का. ओके सो माइंड दिस वर्ड. द फर्स्ट मीनिंग इज इवोकिंग अ वेरी शार्प सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट ऑल्सो. ठीक है तो इवोकिंग अ कीन सेंस और यू कैन से शार्प सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट इज कॉल्ड पॉइग्नेंट. ठीक है जिसको आप ध्यान में रखिए. इट इवोक्स अ वेरी शार्प सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट. एंड द सेकेंड इज पंजेंट इन टेस्ट और स्मेल. ये इसका सेकेंड मीनिंग है और ये मतलब यूज करते हैं हम लोग. बट अगर कोई अगर प्राइमरी मीनिंग पूछे ना, इफ समबडी आस्क यू द प्राइमरी मीनिंग ऑफ पॉइग्नेंट, सो गो फॉर दिस वर्ड. दैट मीन्स सैड और यू कैन से डोलफुल. ठीक है वो सारे वर्ड. ओके सो द फर्स्ट वर्ड इज प्लेंटिव. ओके प्लेंटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगेन वेरी सैड, वेरी मॉर्नफुल. ठीक है प्लेंटिव वर्ड को मार्क कर लिए, मैंने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है. ठीक है पीपल टेन टू फॉरगेट दिस वर्ड और इसको कंफ्यूज करते कभी कभार एक वर्ड से, दैट इज प्लेंटिव. ओके ये आपका लीगल वाला हो गया. ठीक है प्लेंटिव, सो दैट इज दिस इज डिफरेंट. प्लेंटिव इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेंटिव. ओके तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में. द सेकेंड वर्ड इज नाउ सी हियर, देर आर टू वर्ड्स. वन इज विस्टफुल. ओके इट इज नॉट विशफुल. विशफुल हम लोग बोलते हैं ना विशफुल थिंकिंग, दैट मीन्स इमेजिनरी सॉर्ट ऑफ थिंग जो आप विश करते हो. ठीक है डिफरेंट फ्रॉम विशफुल. ओके इट्स विस्टफुल. ओके सो माइंड दिस टी हियर. ओके अगेन इट मीन्स सैड और यू कैन से डोलफुल ऑल्सो. द थर्ड यू कैन से इज डोलोरस एंड मेलनकॉलिक. सो डोलोरस मे बी न्यू टू यू बट मेलनकॉलिक आई थिंक इज प्रीटी कॉमन. ओके सो डोलोरस एंड मेलनकॉलिक ये सारे हो जाएंगे आपके इसके. सोम्बर ऑल्सो इन अ वे दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ यू कैन डिराइव लॉट ऑफ वर्ड्स हियर. ठीक है ग्लूमी हो सकता है लेकिन बट ऐसा होना चाहिए कि वो शार्प सेंस ऑफ सैडनेस आए. ठीक है या फिर रिग्रेट आए. सो ऐसा होना चाहिए. तो प्लेंटिव, विस्टफुल, डॉलफुल, डोलोरस, मेलनकॉलिक, सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पॉइग्नेंट. ओके अब एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, एंटोनिम्स तो बहुत हो जाएंगे आपके. जॉयस, चीयरफुल, हैप्पी, जॉकंड ये सब तो हो ही जाएंगे आपके. द फर्स्ट वर्ड इज मर्टफुल. ठीक है रिपल्सिव ऑल्सो या सेकेंड मीनिंग रिपल्सिव इज करेक्ट. अनुराग दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है वो. मर्टफुल क्योंकि मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था मर्ट. मर्ट मीन्स होता है आपका जॉय, यू कैन से हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड मर्ट. ओके मर्टफुल इज अ पर्सन हु इज वेरी चीयरफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी हैप्पी एज वेल. ठीक है मर्टफुल. और यू कैन से ब्लाइथ ऑल्सो. ब्लाइथ का मीनिंग होता है आपका केयर फ्री. ओके हैप्पी एंड केयर फ्री. ठीक है दैट इज ब्लाइथ, बेफिक्रे. वन ग्लीफुल ऑल्सो. सो दीज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनको भी मार्क कर ले. ऐसे एक तरह से आपका मर्टफुल वर्ड भी आपका रिविजन आपका हो गया. ठीक है ओके एंड द सेंटेंस इज वेरी सिंपल. आशीष कहाँ हो आप? आशीष वेंट इन टू द पैरॉक्सिज्म ऑफ टीयर्स व्हाइल डाइवल्जिंग हिज पॉइंटेंट सागा ऑफ राखी इज यूज्ड टू गेट फ्रॉम हिज पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स. ठीक है तो आज राखी का त्यौहार है. ठीक है तो आज बहुत सारे शिकारी शहीद भी हो सकता है, सो इसको ध्यान में रखिए थोड़ा सा बच के. और तो आशीष वेंट इन द पैरॉक्सिज्म ऑफ टीयर्स व्हाइल डाइवल्जिंग, दैट मीन्स व्हाइल रिवीलिंग. अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्ड. डाइवल्ज का मीनिंग क्या होता है आपका? रिवील. ओके while revealing his poignant saga of Rakhi is used to get from his potential girlfriends. Clear है? चलो sentence को फटाफट इसको revise कर लेते हैं पूरे word को. Poignant evoking a keen sense of sadness, pungent in taste of smell, plaintive, wistful, okay, wistful, doleful, dolorous, melancholic. Antonyms are what? Mirthful, blithe, gleeful. These are the antonyms. And sentence is very simple. Ashish went into the paroxysm of tears while divulging his poignant saga of Rakhi is used to get from his potential girlfriends. चलो आगे बढ़े फिर next word को discuss करें guys. चलो नेक्स्ट वर्ड से पहले मैं आपको बताता हूँ आईबीपीएस आरआरबी 2020 कोर्स. ओके सो देर इज डिस्काउंट ऑल्सो 50%. ओके ये आपका 1999 में है लेकिन आपको 999 में भी आपको मिल जाएगा. सो दीज आर द डिटेल्स. ओके इफ यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर. अगर कन्फ्यूजन हो रहा है एसबीए पीओ कोर्स और इसके बारे में देन गो फॉर एज देन. ठीक है तो एज आप सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें आपको सारे एग्जामिनेशन के आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, स्पॉन्सर वीडियो सब कुछ मिल जाएगा. ओके वन स्टॉप सॉल्यूशन. ओके सो गो फॉर एज देन. चलो नेक्स्ट उसको डिस्कस करते क्वेल. क्वेल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेल? इस ये जो पर्सन है यहाँ पे जो दिखा रहा है इसका जो चेहरा देखिए. ओके एक तो होता है बर्ड. ओके क्वेल का यू कैन से द फर्स्ट मीनिंग इज इट्स अ बर्ड अगर मैं नॉन मीनिंग लू. ठीक है वर्ब मीनिंग में क्या होता है? ठीक है क्वेल. ठीक है क्वेल का मीनिंग क्या है गाइस? सोचो थोड़ा सा. ओके तो टू फील और शो फियर और एप्रीहेंशन. मतलब क्वेल का नो आइडिया. द फर्स्ट अगर नाउन की तरह यूज करो वो तो बर्ड ही है. वेरी हाँ स्केयर्ड यू कैन से. ओके फील और शो फील
और शो फियर और एप्रीहेंशन, ठीक है. ओके, सो फील और शो फियर और एप्रीहेंशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्विल. सो द फर्स्ट वर्ड इज कावर. कावर वर्ड आपने सुना होगा, कावर, ठीक है. कावर, डर के मारे एकदम झुक जाना, एकदम, ठीक है, कांपना, बेसिकली वो भी होता है कावर. क्रिंज करना भी एक तरह से, दिस अनदर वर्ड, ठीक है. तो कावर, क्रिंज, सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्विल. एंड द थर्ड वर्ड इज ड्रेड ऑल्सो, ठीक है. वेरी सिंपल वर्ड्स एंड बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड्स, ठीक है. तो डर को शो करना या फिर एप्रीहेंशन को शो करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्विल. ओके, कावर करना, ठीक है, और यू कैन से क्रिंज करना, और यू कैन से ड्रेड करना. सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्विल. कावर, क्विल, हाँ, विंस भी होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, पर थोड़ा सा वो थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है. हाँ, फ्लिंच इज अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है. फ्लिंच इज अ वेरी गुड वर्ड, यू कैन यूज दैट वर्ड. फ्लिंच को आप यूज कर सकते हो, ठीक है. सो कावर, क्रिंज, ड्रेड, सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्विल. एंटोनिम्स की अगर बात करो, मतलब यहाँ पे डर शो कर रहा है, बट ब्रेव वी आर नॉट यूजिंग हियर एडजेक्टिव, वी आर ब्रेव, वी आर यूजिंग इट एज वर्ब. ओके, ही ब्रेव द सिचुएशन, दैट मीन्स ही हैंडल्ड और टैकल्ड द सिचुएशन विद ब्रेवरी. ओके, सो ब्रेव वी आर यूजिंग इट एज वर्ब हियर. द सेकंड वर्ड इज डेयर करना, बेसिकली. ओके, डेयर मतलब होता है ऑन वन द सेम थिंग, ठीक है, डर को ना दिखाना, ठीक है. सो डेयर करने में आप क्या करोगे, आप यू विल शो दैट यू आर वेरी ब्रेव. ओके, एंड द थर्ड वर्ड इज व्हाट, कन्फ्रंट करना किसी चीज को, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड फेस करना ऑल्सो, ठीक है. ओके, फेस करना किसी सिचुएशन को आप जब फेस करते हो, ठीक, कन्फ्रंट करते हो, तो दोज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड क्विल, ठीक है. हाँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट रजनीश, ठीक है, बिल्कुल सही है. ओके, अनुराग, यू कैन यूज ब्लेंच एज, यू कैन से सिनोनिम ऑफ या क्विल आप यूज कर सकते हो, ठीक है. फेंट तो थोड़ा सा एक्सट्रीम सेंस में चला जाएगा, ठीक है. हाँ, इसके बाद हो सकता है कि फेंट हो जाए वो. सेंटेंस इज वेरी सिंपल, ठीक है. ऐसा काम कौन करता है, खत्री, ठीक है. तो सिद्धार्थ क्विल्ड द इंटीमिडेटिंग नाइफ एक्ट ऑफ खत्री, ठीक है. ये नाइफ एक्ट तो है नहीं, ठीक है, बनाना लिया हुआ है और बस ऐसे ही. ऐसे कोई मूवी में, मुझे लगता है सोल्जर मूवी में एक सीन है ऐसा, ठीक है, बॉबी डेवल करता है उसके साथ, विलेन लिंग के साथ, तो रिमेंबर दैट, ठीक है. हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी. डॉन्ट, डॉन्टिंग इज थ्रेटनिंग, निशा, या डॉन्टिंग इज थ्रेटनिंग. ओके, सो क्विल इज व्हाट, फील और शो फियर और एप्रीहेंशन. कावर करना, क्रिंज करना, ड्रेड करना, सो दीज आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर व्हाट, ब्रेव, डेयर एंड कन्फ्रंट. सेंटेंस इज वेरी सिंपल, सिद्धार्थ क्विल्ड द इंटीमिडेटिंग नाइफ एक्ट ऑफ खत्री. चलो आगे बढ़ते, व्हाट इज प्रिजम्पशन. अब प्रिजम्पशन का यहाँ पे दो मीनिंग होता है एक्चुअली, ठीक है. प्रिजम्पशन हैज गॉट टू मीनिंग. द फर्स्ट मीनिंग इज, सबको पता होता है कि एजम्पशन या फिर सपोजिशन, ठीक है. ये एक्चुअली वर्ड अगर आप देखोगे प्रिजम्पशन, इट हैज गॉट टू मीनिंग्स, मैं बता देता हूं आपको. ओके, द फर्स्ट मीनिंग इज एज सिंपल एज दैट, यू कैन से की चीज को अज्यूम करना, एजम्पशन करना, सपोजिशन करना. द सेकेंड मीनिंग इज शोइंग अ वेरी, यू कैन से एरोगेंट बिहेवियर, और यू कैन से अ बिहेवियर विच इज वेरी, यू कैन से शोइंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, फालतू का कॉन्फिडेंस दिखाना. सो दैट इज प्रिजम्पशन, क्योंकि ये जो वर्ड है आपके प्रिजम्पशुअस वर्ड से आते हैं, ठीक है. ये वर्ड जो है आपके प्रिजम्पशुअस वर्ड से आते हैं. प्रिजम्पशुअस का मीनिंग क्या होता है आपका, वेरी एरोगेंट, यू कैन से वेरी, यू कैन से रेकलेस ऑल्सो इन अ वे. हाँ, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजम्पशन. तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. ये कौन है बेसिकली, ये हुई शी. तो फर्स्ट इज वॉट, एरोगेंट बिहेवियर, और यू कैन से शोइंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब इन अ नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस शो ऑफ करना. सो दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पशन. द सेकंड मीनिंग इज दैट एन आइडिया टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, लाइक एजम्पशन. हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग पहले एजम्पशन मान लेते हैं ना, कि ऐसा ऐसा करेक्ट है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको मतलब इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं. तो वन इज प्रिजम्पशन, और यू कैन से दैट एजम्पशन एंड सपोजिशन. तो एरोगेंट बी, सो द फर्स्ट वर्ड इज टेमेरिटी. टेमेरिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेमेरिटी, इट मींस व्हाट, रेकलेस बोल्डनेस. तो तभी आएगा जब आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा या फिर एरोगेंस आएगा उसके अंदर. ब्रेजननेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. साधना, गुड मॉर्निंग, ठीक है. द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ड इज एफ्रेंटरी ऑल्सो, ठीक है. एफ्रेंटरी वर्ड को भी मार्क कर लेंगे, टेमेरिटी, एफ्रेंटरी. एंड द थर्ड वर्ड इज एजम्पशन, जो कि इसका बेसिकली द सेकंड मीनिंग है. सेकंड मीनिंग नहीं, इसको फर्स्ट मीनिंग ही मानते हैं, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ प्रिजम, बिकॉज सी द मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट. बोथ द मीनिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट. ओके, एक को हम लोग एजम्पशन बोल रहे थे, सेकंड वी आर सेइंग दैट इट्स सॉर्ट ऑफ वेरी एरोगेंट बिहेवियर, ठीक है. सो इसलिए आप इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए. एंड देर इज, अभी जैसे मैंने बोला आपको प्रिजम्पशुअस वर्ड को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सम्पशुअस. अगर मैं सम्पशुअस वर्ड की बात करूं, उसका मीनिंग होता है लैविश, लेकिन ओके, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सम्पशुअस, ठीक है. लैविश, और यू कैन से एक्स्ट्रावेगेंट.
क्लियर है? सो सिनोनिम्स आर टेमेरिटी, एफरेंटरी, अजम्पशन, सो दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की अगर बात करो, मॉडेस्टी ऑब्वियसली एरोगेंट बिहेवियर है, तो यू कैन से दैट ह्यूमिलिटी, यू कैन से मॉडेस्टी, ठीक है, ह्यूमिलिटी आप कह सकते हो, और यू कैन से मीकनेस ऑल्सो। मीकनेस का मीनिंग होता है बेसिकली पोलाइटनेस, यू कैन ऑल्सो एड द डिफिडेंस ऑल्सो, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ आप डिफिडेंस वर्ड को भी आप, ठीक है, ओके, सो मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, मीकनेस, ओके, या अनुराग कुमार, वेरी गुड, दैट स्पर्न वर्ड इज वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एंड द सेंटेंस इज वेरी सिंपल, ओके, नोबडी कुड स्टैंड द प्रिजम्पशन ऑफ पेरिस हिल्टन ड्यूरिंग द फिलेंथ्रोपिक मीट, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर शो कर रही थी, सो दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पशन, एरोगेंट बिहेवियर एंड आइडिया टेकन टू बी टू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, टेमेरिटी, एफरेंटरी, अजम्पशन, एंटोनिम्स आर व्हाट, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस, एंड द सेंटेंस इज वेरी सिंपल, नोबडी कुड स्टैंड द प्रिजम्पशन ऑफ पेरिस हिल्टन ड्यूरिंग द फिलेंथ्रोपिक मीट, ओके। चलो फिर इडियम्स को डिस्कस करते हैं फटाफट आज। द फर्स्ट इडियम इज व्हाट, हैव वन्स हेड इन द क्लाउड्स, क्या हो गया बच्चे आज बिल्कुल नहीं यार, सैड, हैव वन्स हेड इन द क्लाउड्स, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव वन्स हेड इन द क्लाउड्स। अब बहुत लोगों को लगता है कि मतलब नॉट इन सस्पिशियन, वेन यू आर बेसिकली नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, ओके, क्लाउड में जाते हो तो एक तरह से क्या होता है, यू आर नॉट अवेयर, राइट, क्लाउड्स में चल जाओ, देयर इज बी देयर बी यू कैन से ऑब्स्क्योर हो जाएगा थोड़ा सा सिचुएशन वो, ठीक है, ओके, फाइन, हाँ, डे ड्रीमिंग थोड़ा सा, हाँ, उससे टू बी अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओके, एब्सेंट माइंडेड भी हो सकता है, ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, टू बी अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, या एब्सेंट माइंडेड भी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, आई वॉन्ट सेट इन द क्लाउड्स टू बी अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं, द नेक्स्ट एज द क्रो फ्लाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज द क्रो फ्लाइज, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई उड़ के जा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है, एज द क्रो फ्लाइज, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको इसका आंसर, यू कैन गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज द क्रो फ्लाइज, हाँ, डायरेक्ट डिस्टेंस, और यू कैन से इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज करेक्ट, ठीक है, दैट इज बिल्कुल करेक्ट, दैट इज द आंसर ओनली, सो एज द क्रो फ्लाइज का आंसर क्या होगा आपका, इन अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से या एकदम स्ट्रेट, इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज करेक्ट, ऐसा लगता है कि एज द क्रो फ्लाइज की, हाँ, क्रो को आप नेगेटिव से रिलेट करोगे तो नहीं, दैट इज नॉट द मीनिंग, हाँ, नेसियंट विल बी फॉर द फर्स्ट दिस वन, नेसियंट, शुभम, दैट इज करेक्ट, हाँ, तेजस्वी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, शॉर्ट रूट लेना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, हाँ, हैव वन सेट इन द क्लाउड्स का मीनिंग होता है आपका टू बी अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके, एज द क्रो फ्लाइज का मीनिंग होता है इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते फिर हम लोग फ्रेजल वर्ब को कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग जी से, ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, द फर्स्ट वन इज गो ऑफ, ओके, गो ऑफ तो बहुत कॉमन है, बट यू शुड नो द सेकंड मीनिंग, अगर मैं बोलता हूं कि द बॉम्ब वेंट ऑफ, ठीक है, द बॉम्ब वेंट ऑफ, तो इसका मीनिंग क्या होता है आपका, एक्सप्लोड करना, द फर्स्ट मीनिंग, बट विल डिस्कस द सेकंड मीनिंग एज वेल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलता हूं कि द मिल्क वेंट ऑफ, अब मिल्क तो एक्सप्लोड करेगा नहीं, ठीक है, द मिल्क वेंट ऑफ का मीनिंग होता है इट, यू कैन से इट डिकम्पोज्ड, और यू कैन से इट टर्न्ड सावर और समथिंग, एंड इट बिकेम नॉट, यू कैन से इनएडिबल, ओके, सो डेटोनेट, दैट इज करेक्ट, ठीक है। सो द फर्स्ट मीनिंग ऑफ गो ऑफ इज व्हाट, टू एक्सप्लोड, यू कैन से, और यू कैन से जैसे कि द बॉम्ब वेंट ऑफ, सबको पता है, ओके, द सेकंड मीनिंग इज बिगिन टू डिकम्पोज एंड बिकम इनएडिबल, सो वी कैन यूज इट फॉर फूड, और यू कैन से मिल्क ऑल्सो, ओके, दो तीन दिन बाद मिल्क को अगर गर्म नहीं किया तो खत्म है, ओके, सो वो डिकम्पोज होना या फिर इनएडिबल हो जाना, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गो ऑफ, क्लियर है, द टू मीनिंग्स ऑफ द, यू कैन से, गो ऑफ फ्रेजल वर्ब, द सेकंड इज गो ओवर, ओके, गो ओवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो ओवर, बताओ मेरी मीनिंग फटाफट, हाँ, एग्जामिन इज करेक्ट मिस्टर वेल, दैट इज करेक्ट, गो अवे नहीं है ये, गो ओवर है, यस श्रुतांशु, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, यस, फर्स्ट मीनिंग इज व्हाट, टू कंसीडर समथिंग, और यू कैन से टू एग्जामिन समथिंग, और यू कैन से चेक समथिंग, ठीक है, ये चीज को देखना, कंसिडर करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गो ओवर, द सेकंड मीनिंग ऑफ गो ओवर इज व्हाट, चेंज वंस एलिजियंस और रिलीजियन, ओके, अगर आप एलिजियंस मतलब क्या होता है, लॉयल्टी, ठीक है, एलिजियंस इज व्हाट, लॉयल्टी, अगर आप उसको चेंज करते हो या फिर अपने रिलीजन को चेंज करते हो, उसका भी उसको उससे भी आप गो ओवर को आप फ्रेम कर सकते हो आप,
ठीक है, स्क्रूटिनाइज इज ऑल्सो करेक्ट शैंकी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, रिव्यू करना बिल्कुल सही है मानवी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, मॉलिश हाँ एग्जामाइन चेक, ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर एग्जामाइन चेक इन्वेस्टिगेट स्क्रूटिनाइज इन सबको लिख देना ऑल करेक्ट एंड प्लीज फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है, गो ओवर का मीनिंग होता है चेंज वंस एलिजियंस और यू कैन से रिलीजन, ठीक है, लॉयल्टी चेंज करना या फिर क्लियर हो गया आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्विज को कर लेते हैं, क्विज टाइम गाइस, फटाफट कॉनवल्स, डू नॉट कंफ्यूज विद द वर्ड कॉनवलिस, ठीक है, मैंने बोला था कॉनवलिस, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है टू शेक टू शडर, ठीक है, और यू कैन से क्विवर क्विवर, ठीक है, सो करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट यू कैन से शडर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सो फर्स्ट का बी इज द करेक्ट आंसर। पॉइग्नेंट का मीनिंग क्या होता है, हैविंग अ वेरी शार्प सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, तो प्लेंटिव यू कैन से डॉलफुल मॉर्नफुल, और बाकी तो वर्ड मैंने आपको बोल दिया था आपको डोलोरस, ठीक है, डॉलफुल मेलनकॉलिक, ठीक है, तो इनको ध्यान रखिए। सो सेकेंड का आंसर इज ए, ओके, परवेज टू व्हाट, सप्लाई करना, फर्निश करना, रेंडर करना, ठीक है, कैटर करना, सो परवेज लाइक सप्लाई, थर्ड का इज द करेक्ट आंसर। क्वेल जो एक मीनिंग होता है जो नाउन वाला मीनिंग होता है दैट विल बी बर्ड, बट इफ यू यूज द वर्ब मीनिंग इट विल मीन व्हाट, कावर क्रिंच, ठीक है, ओके, सो फोर्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। एंड इनफैक्ट यू कैन रिलेट बोथ दिस वर्ड्स ऑल्सो, कॉन्वल्स एंड क्वेल को आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कॉन्वल्स मतलब होता है कांपना और शडर शेक करना, इन क्वेल ऑल्सो, ओके, इफ यू टू फ्राइटेंड यू कैन से एग्जिबिट दिस वन, ठीक है, यू विल यू विल शेक, ओके, सो क्वेल का आंसर हो गया आपका, ठीक है, कावर इज द करेक्ट आंसर। प्रिजम्पशन इज व्हाट, टेमेरिटी यू कैन से, ओके, फर्स्ट मीनिंग इज द टेमेरिटी एंड द सेकंड मीनिंग इज द एजम्पशन सपोजिशन, क्लियर हो जाना चाहिए, राइट, ओके, सो फर्स्ट का बी इज द करेक्ट आंसर, पॉइग्नेंट का इज प्लेंटिव, सेकंड का ए, परवे का मीनिंग होता है आपका सप्लाई ई, क्वेल का मीनिंग होता है आपका कावर सी, ओके, प्रिजम्पशन का मीनिंग होता है आपका टेमेरिटी, ओके, सो फिफ्थ का डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो गाइस एंड या वो आपको बच्चे बहुत कम है आज, क्या हो गया आज, ओके, सो आपको दिख रहा होगा, इफ यू टू परचेज द SBI PU 2020 कोड जस्ट यूज द कूपन कोड JP60 टू अवेल 60% डिस्काउंट। बना लो यार अंकित कुमार मिश्रा थोड़ा सा, ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द सेशन, 10 AM आई विल टेक द वोकैबुलरी क्लास ऑफ SBI PU टाइटन बैच, सो डू ज्वाइन दैट, ठीक है, 10 बजे सब लोग आ जाना, वोकैब थोड़ा सा करना कैसे उस सबको देख उस सबको सीखेंगे उसको, PDF यू विल गेट, डोंट वरी, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी आपको लिंक में शेयर कर दूंगा आपको। टुडे माय क्लासेस फास्ट, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा जोक्स कम क्रैक किया है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, जस्ट यूज द कूपन कोड JP60 टू अवेल 60% डिस्काउंट, ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून टू ऑलिव बोर्ड, ओके, बाय बाय। IBPS RRB PO and assistant notification is already out. Up with this series, that is IBPS RRB PO and clerk. It starts 7th July onwards. We will be having live audio and video interaction with the faculty members. There will be 60 plus hours of doubt and revision classes sessions. Also 70 plus hours of video lectures. There will be 15 plus live practice sessions. Then, of course, we will be having the mock tests, that is 20 mock tests for your prelims and 10 for your mains. We will be having 90 plus sectional tests for each of these sections. Also, topic-wise tests, GK tests and e-handbooks. I was talking about. After the huge success of DID Coded and Puzzle Mania, Olivoo team has come up with English Simplified. So your questions regarding from where to practice or how do we get the written notes of grammar rules are all answered. We have heard you. So you'll get not only concepts but practice questions of all your chapters of English section.
Let's have a look at the content now. So this is our book, English Simplified. Now if you look at the content here, we have contents divided into four sections. Like here you can see pieces of Grammarly, which is basically your grammar rules, grammar logics or grammar fundamentals that we study in class as well. So you have all of your important rules here. Second section will cover questions related to grammar. Now where you will apply your rules, so error spotting or whether it is sentence improvement and the new sentence joining. Third one is your non-grammar part, which requires a lot of practice, whether it is RC, you can see your parajumble, close test, fillers. So these are questions where understanding is required. Now the best part here is that whatever practice questions you will have, those are in level. So level 1 practice, level 2 practice, level 3. So beginner level questions, then moderate questions, then difficult questions. Last one is of course your vocabulary, a very important portion. Here also you will have questions which are related to vocab, like word interchange or usage of words, idioms, phrasal verbs. All types of vocabulary based questions will be here. Again divided into levels, so you know where you are getting stuck and then you can review. So basically this is a complete guide to English language for banking exams, insurance exams and all the other competitive exams. So for complete notes of English grammar and practice, you must refer to this book.